नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का लेक्चर है शोध अभिकल्प। आज के इस लेक्चर में शोध अभिकल्प के उद्देश्यों पर डिस्कस करेंगे और वर्णनात्मक शोध अभिकल्प के कौन कौन से चरण हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक शोध में अध्ययन समस्या के चयन के बाद, जब हम किसी समस्या का चुनाव कर लेते हैं समाज में, सोसाइटी में, उसके बाद अभिकल्पना का निर्माण करना एक आवश्यक कदम होता है। चुनाव समस्या के चुनाव के बाद हम अभिकल्पना का निर्माण करते हैं, वह आवश्यक होता है क्योंकि सामाजिक शोध के लिए एक ऐसे शोध अभिकल्प की आवश्यकता होती है जो समस्या के अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एवं सुविधाजनक हो। सामाजिक शोध में मुख्यतः तीन बातों को महत्व दिया जाता है, समय, धन और श्रम। इनको, क्योंकि समाज की प्रकृति परिवर्तनशील है, मनुष्य का व्यवहार कब, कहां और कैसे बदल जाए इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो विचार हमारे आज हैं और कल हमारे विचार वही दूसरे हो जाते हैं, बदल जाते हैं वेरिएबल्स, तो इसको भी ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। शोध अभिकल्प की परिभाषा। शोध अभिकल्प के लिए उद्देश्यों एवं महत्व आदि को ध्यान में रखते हुए अधिकांश विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है। कैलेंजर ने, ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च में लिखा है कि शोध अभिकल्प अन्वेषण की योग्यता, संरचना एवं रणनीति है, जिसकी रचना किस प्रकार की जाती है, कि शोध प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकें तथा विविधताओं को नियंत्रित किया जा सके। यह अभिकल्प या योजना शोध की संपूर्ण रूपरेखा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत प्रत्येक चीज की रूपरेखा सम्मिलित होती है। और विशेषता क्या है इसकी, शोध अभिकल्प की विशेषता, इसका संबंध सामाजिक शोधों से होता है, सोसाइटी से संबंध होता है। यह शोधकर्ता को शोध की निश्चित दशा का बोध कराती है, एक निश्चित डायरेक्शन दिखा, हमें रास्ता दिखाती है यह अभिकल्प। और थर्ड है, इसके द्वारा सामाजिक घटनाओं का सरलीकरण किया जाता है, सोसाइटी में सामाजिक घटनाओं का सरलीकरण किया जाता है। इसकी रूपरेखा शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व तैयार की जाती है। जो रूपरेखा बनाते हैं हम किसी की, तो इसको पहले ही पूरा बना तैयार कर लिया जाता है शोध कार्य के लिए। यह नियंत्रण का कार्य करती है, जो शोध अभिकल्प होती है वह नियंत्रण का कार्य करती है। यह पन्ना केवल मानवीय श्रम की बचत करती है, जो व्यक्ति होते हैं उसके श्रम की बचत करती है, बल्कि शोध कार्य को सीमित एवं नियंत्रित नियमितता को दर्शाती है, यानी कि सीमित एक क्षेत्र होता है निश्चित, ये भी दर्शाती है। स्टेप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, इसको डिस्कस करते हैं। किसी भी विशुद्ध फिक्र या निर्माण करते समय कुछ आवश्यकताएं अनिवार्य होती हैं। फर्स्ट आवश्यकता है इसकी, पहली, शोध अभिकल्प का निर्माण करते समय पहली आवश्यकता इस बात की होती है कि शोध समस्या के बारे में स्पष्ट ज्ञान शोधकर्ता को होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब सोसाइटी में हम रिसर्च करते हैं तो पहली आवश्यकता यही होती है कि हम समस्या के बारे में स्पष्ट रहें, शोधकर्ता को स्पष्ट तरीके से अपनी समस्या के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेकंड है, शोध अभिकल्प का निर्माण करते समय दूसरी आवश्यकता होती है कि शोधकर्ता को अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हमें जिस क्षेत्र में हम अध्ययन करने जा रहे हैं तो उसकी जानकारी हमें स्पष्ट रूप से सटीक होनी चाहिए, पता होना चाहिए। और थर्ड विशेषता है, शोधकर्ता को उन लोगों एवं कार्य विधियों की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए जिनका प्रयोग करते समय शोध के लिए आवश्यक आंकड़े के संग्रह के मार्ग में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया जा सके। जो एक रिसर्च स्कॉलर होता है उनको उन लोगों कार्य की विधियों की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए जिसका प्रयोग शोध समय करते समय आंकड़ों को संग्रह मार्ग में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान प्रस्तुतिकरण किया जा सके। जो हमारे रिसर्च में जो बाधाएं आती हैं उनको समाधान के लिए प्रस्तुत किया जा सके।
और फोर्थ है शोध के संग्रह के लिए विस्तृत सुविधाजनक एवं योजना उपलब्ध हो। जिस फील्ड में हम रिसर्च करने जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम रिसर्च करने जा रहे हैं, तो उनको भी हमें सुनिश्चित योजना तरीके से योजनाबद्ध बना लेनी चाहिए। किस तरीके से हम रिसर्च करेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद फिफ्थ है आंकड़ों के विश्लेषण के लिए उपयुक्त योजना प्राप्त हो। जिस जो हमारे डेटा है क्या हमें उनके आंकड़े उपयुक्त हमारे लिए क्या उपयुक्त हैं सोसाइटी में जिस फील्ड में हम रिसर्च करने जा रहे हैं। इसके बाद देखेंगे शोध अभिकल्प के उद्देश्य। शोध अभिकल्प के उद्देश्य को तीन प्रकार से समझा जाता है। फर्स्ट है इधर गया व्यवहारिक शोध समस्या जिसे बिहेवियर बोलते हैं, और सेकंड है वैज्ञानिक या बौद्धिक शोध समस्या, और थर्ड है सैद्धांतिक व्यवस्थाओं को विकसित करने की शोध समस्या। ये तीनों पॉइंट हैं। तो परिभाषा है कलंजन ने फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च में शोध अभिकल्प के दो आधारों के उद्देश्यों पर चर्चा की है। बात की इन्होंने कलंजन ने फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च, ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना, कई बार नेट में पूछा जा चुका है। फर्स्ट है शोध समस्या का उत्तर प्रदान करना, और सेकंड विविधताओं को नियंत्रण करना। शोध समस्या का उत्तर प्रदान करना और विविधताओं को आने वाली बाधाओं को भी नियंत्रित किया जाता है। शोध समस्या का उत्तर प्रदान करना शोध अभिकल्प प्रामाणिकता विश्वसनीयता यथार्थता सुनिश्चात्मक एवं समय बचत के लिए साथ साथ श्रम की बचत करती है। जो शोध समस्या होती है वह हमें यथार्थता और सुनिश्चितता समय की बचत करती है, और साथ ही साथ हमें श्रम की भी बचत करती है। शोध प्रश्नों के उत्तर की खोज के लिए शोध अभिकल्प शोधकर्ताओं को सभी प्रमाणों के एकत्र करने में सहायता प्रदान करती है। जब हम शोध अभिकल्प को प्रमाण करते हैं, खोज करते हैं, तो हमें शोध अभिकल्प सभी प्रमाणों को एकत्र करने में हमारी सहायता प्रदान करती है, हमें सहायता पहुंचाती है। इससे हमें ज़्यादा श्रम ना करना पड़े, ज़्यादा परिश्रम ना करना पड़े। और सेकंड है विविधताओं को नियंत्रण करना। कलंजर का कहना है कि शोध अभिकल्प शोध की वास्तविकताओं को नियंत्रित करने में शोधकर्ताओं की हर संभव मदद करती है, यानी कि हर क्षण हमारी यह विविधता जो मदद करती है शोध अभिकल्प। शोध के समय अभी क्षेत्रों की संभावना बनी रहती है, अभिनेत्रियों की संभावना बनी रहती है। और वर्णनात्मक शोध अभिकल्प के कौन कौन से चरण होते हैं, चलिए इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है उद्देश्यों की व्याख्या। शोध से संबंधित मौलिक प्रश्नों का स्पष्टीकरण तथा लक्ष्यों को परिभाषित किया जाता है। गुणात्मक शोध अभिकल्प परिकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता है, इसमें गुणात्मक शोध में परिकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता। मन की सोच के उद्देश्यों के स्पष्ट एवं निश्चित किया जाता है। मन से सोच समझकर उद्देश्यों को स्पष्ट और सुनिश्चित किया जाता है। समस्या की व्याख्या की जाती है, जो समस्या है उसकी हम व्याख्या करते हैं उद्देश्यों की व्याख्या में। और सेकंड है प्रविधियों का चयन। प्रविधियों का चयन उद्देश्यों की व्याख्या करने के बाद सामग्री की प्रकृति के अनुसार तथ्यों एवं सामग्री संकलन के लिए विभिन्न प्रविधियों से उपयुक्त प्रविधियों का चयन किया जाता है। मतलब कई प्रकार की प्रविधियाँ होती हैं, तो उसमें हम उपयुक्त जो हमारे लिए अच्छी हो उसी का हम चयन करते हैं, जिससे संबंधित सामग्री का चयन किया जाए, जिससे हमारी सामग्री है उसका चयन अच्छे तरीके से किया जा सके। इसके बाद है तीसरा निदर्शकों का चयन। वर्णनात्मक शोध अभिकल्प का तीसरा चरण निदर्शन का चुनाव। अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए समूह के प्रत्येक सदस्य विषय की समस्त इकाई का अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए हम निदर्शन का चयन करते हैं। निदर्शन में हमें क्षेत्र सीमित होता है, निदर्शन के लिए एक छोटा क्षेत्र होता है, उसी में हम निदर्शन का प्रयोग करते हैं। ये पद्धति है निदर्शन। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, एक डॉक्टर होता है, तो अगर वह मरीज का ब्लड टेस्ट करके ही अनुमान लगा देता है, बता देता है कि उनके पूरे खून में क्या कमी है क्या नहीं है,
जब हम बाजार लेने कोई दाल या सब्जी लेने जाते हैं तो हम थोड़े ही दाल को देख कर के बता देते हैं कि दाल सभी पूरी अच्छी है, या चावल एक पक जाता है तो हम समझ जाते हैं कि पूरे चावल पक चुके हैं, तो उसे निदर्शन कहते हैं। यह भी एक पद्धति है रिसर्च करने की। इसके बाद है सामग्री का संकलन, जो सामग्री होती है उसका संकलन। सामग्री का संकलन प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार एवं अवलोकन आदि पद्धतियों में से किसी एक पद्धति के द्वारा किया जाता है। सामग्री का संग्रह, डेटा को संकलन करने के लिए हमें प्रश्नावली या तो अनुसूची या साक्षात्कार या ऑब्जर्वेशन आदि पद्धतियों में से किसी एक पद्धति से के द्वारा ही किया जाता है। मतलब हम किसी एक पद्धति का ही उपयोग कर सकते हैं। समय समय पर सूचनादाताओं द्वारा जो शोधकर्ता हैं उनके द्वारा दिए गए उत्तरों की सत्यता एवं विश्वसनीयता की जांच भी की जाती है। समय समय पर हम सूचनादाताओं द्वारा जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जो सूचनादाता होते हैं उनकी सत्यता एवं विश्वसनीयता की जांच भी हम थोड़े समय समय पर करते ही रहते हैं। इसके बाद है पाँचवा है तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण। जो फैक्ट होते हैं उनका वर्गीकरण और विश्लेषण, एकत्रित किए गए तत्वों को उनके गुणों एवं प्रकृति के आधार पर अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब हम जब कोई फैक्ट या तत्व इकट्ठे करते हैं तो हम उनको डिवाइड कर देते हैं, समूहों में बांट देते हैं, समानता के आधार पर वर्ग बनाए जाते हैं, यानी कि एक समानता के आधार पर वर्ग बनाए जाते हैं, उनको सामग्री के रूप में फिर वर्गीकृत किया जाता है। और छठवां है प्रतिवेदन लेखन, तथ्यों सामग्री एवं एकत्रित सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में भावनात्मक रूप से लेखन पद कर दिया जाता है। इसमें भाषा का विशेष ध्यान रखा जाता है। चलिए आज का लेक्चर इतना ही, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जियो दिल से। और नेक्स्ट वीडियो में हम शोध समस्या का के ऊपर टॉपिक लाएंगे, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, एक व्यक्ति जब रिसर्च करता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करके वह रिसर्च करता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए